हेलो दोस्तों मैं आपके लिए एंट्रेंस पेपर्स के हवाले से एक और पेपर लेकर आया हूँ दोस्तों ये पेपर सोशल वर्क 2020 का पेपर है जिसको एम एस डब्ल्यू कहते हैं दोस्तों तो इस पहले मैंने इस सोशल वर्क का 2021 का पेपर ऑलरेडी डिस्कस किया है और उसके अलावा बहुत सारे सब्जेक्ट्स के एंट्रेंस पेपर्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं और उसके अलावा बहुत सारे सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट एम्स भी मैंने डिस्कस किए हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे प्ले लिस्ट में आप प्ले लिस्ट में जाइए वहाँ पर आपको एंट्रेंस पेपर्स के नाम का लिस्ट मिलेगा उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो तो फिर ये आपको पता है कि इसमें सिक्सटी क्वेश्चन होते हैं और उसमें सिक्सटी नंबर्स आपको दिया जाता है और उनको सॉल्व करने के लिए आपको सेवेंटी मिनट्स दिए जाते हैं और एक और इंपॉर्टेंट बात इसमें यह भी है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी जो कि जीरो पॉइंट टू फाइव मार्क्स कट होता है हर एक रॉन्ग आंसर पर तो चलते हैं क्वेश्चन पर यहाँ पर जो भी आंसर की हम डिस्कस करने वाले हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की ऑफिशियल आंसर की रहेगी क्वेश्चन नंबर वन कहता है द हाइस्ट पीक इन साउथ इंडिया इज सी पट अनामुडी उसके बाद क्वेश्चन नंबर टू स्टडी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड बी पार्ट पेडोलॉजी क्वेश्चन नंबर थर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेशन सेट फॉर एंटार्टिका एक्स पेडिशन ए पार्ट आंसर है दक्षिण गंगोत्री उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इंटरनेशनल सोलर एलियनस जिसको आई एस ए बी कहा जाता है आंसर सी पार्ट है बोथ भी भी और बी भी करेक्ट है इनको हम एक बार रीड करते हैं ऑल कंट्रीज बिटवीन टॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्डन कैन ज्वाइन इंटरनेशनल सोलर एलियनस भी कहता है इट विल फंक्शन फ्रॉम द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी गुड़गांव हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव पर इन विच केस सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड द अर्लियर ओपिनियन एंड हेल्ड दैट प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आंसर बी पार्ट है कैसा बनन भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स पर विच अमंग द फॉलोइंग वायर इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ वरन सिंह कॉमिटी आंसर डी पार्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेवन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद्या द पंचायत ए पार्ट पार्ट नाइन्थ एर्थ क्वेश्चन हु इज द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग ए पार्ट प्राइम मिनिस्टर क्वेश्चन नंबर नाइन द फॉर्म ऑफ पावर स्ट्रक्चर इन विच पावर लाइज विद ए स्मॉलर नंबर ऑफ पीपुल इज कॉल्ड डी पार्ट ओलिगैरिची तो ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर टेन पर इन ए मोनार्कल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट द पावर अरेस्ट विद डी पार्ट ए हेरिडिटेरी रूलर चलेंगे क्वेश्चन नंबर अलेवन पर

उसके बाद फोटीन क्वेश्चन द बुक हुमायून नामा वॉज रिटिन बाई सी पार्ट गुलबदन बेगम फिफ्टीन क्वेश्चन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ खुदाई खदमत कार वज एस्टैबलिश अंडर द लीडरशिप ऑफ़ ए पार्ट खान अब्दुल गफ्फार खान हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन पर द दार्टशन ऑफ बंगाल टू प्लेस इन बी पार्ट नाइनटीन हंड्रेड फाइव उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेवनटीन एस्ट्रीट इन यू एस एज़ बीन नेम्ड आफ्टर स्वामी विवेकानंद एज़ ऑनरिरी स्वामी विवेकानंद वी नेम दिटी सी पार्ट चिकागो एटीन क्वेश्चन हु वॉज द फर्स्ट लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया बी पर answer आंसर है भीमराव अंबेडकर उसके बाद 19 क्वेश्चन हु gave द स्लोगन करो या मरो इसका आंसर ए पर है महात्मा गांधी उसके बाद ट्वेंटी क्वेश्चन विच अमंग द फॉलोइंग अलोंग विद हिज वाइफ वाज अ पायनियर ऑफ वुमेन एजुकेशन ए पर इसका आंसर है ज्योतिबा फुले ट्वेंटी वन क्वेश्चन पर गेव द स्लोगन गो बैक टू द बी पार्ट स्वामी दयानंद सरस्वती उसके बाद ट्वेंटी टू क्वेश्चन शुद्ध स्टार्टेड बाय आंसर ए पर है आर्य समाज ट्वेंटी थर्ड क्वेश्चन राइटर्स एक्ट वॉज पासड इन दॉट नाइनटीन हंड्रेड सिक्स उसके बाद ट्वेंटी फोर क्वेश्चन हु रोट द बुक गिफ्ट टू मोनोथीस्ट ए पटस है राजा राम मोहन रॉय उसके बाद ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन हु क्लासीफाइड इन टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप्स आंसर बी है है उसके बाद क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ गेम इन शब्द एंड गेसल शब्द आंसर बीपट है टोनीस उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन पर पार्सन डिस्क्रिप्शन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर वॉज बेस्ड ऑन फोर सोशल वैल्यूज विचार फॉलोइंग इज नॉट एमंग है एक्वायर्ड वैल्यूज उसके बाद चलेगी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट पर क्रिस्टानिटी एंड इस्लाम आर वाइडली प्रैक्टिसड फॉरम ऑफ बी पर इसका आंसर है मोनोथीजम उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन पर जीरो नाइन एट इज द हेल्पलाइन नंबर ऑफ सी पॉट चिल्ड्रन उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर थर्टी पर द इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसबिलिटीज इज ऑब्जर्वड एवरी ईयर ऑन ए पॉट डिसंबर थर्ड उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर थर्टी वन पर विच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल एल इज डाउन द प्रोविजन फॉर ए नेशनल कमीशन फॉर एस सी एंड एस टी आंसर सी पॉट है थर्टी टू पर विच कमिटी रिकमेंडेड द्वेंटी सेवन परसेंट रिजर्वेशन ऑफ द ओ बी सी इन द गवर्नमेंट जॉब इन नाइनटीन नाइन्टी वन आंसर सी पार्ट है मंडल कमिटी उसके बाद थर्टी थ्री क्वेश्चन मैच दर फॉलोइंग डेवलपमेंटल प्रोग्राम विथ दियर इंसेप्शन ईयर्स तो यहाँ पर यह आपको मैच करना है फिर यहां से आपको आंसर इसका चूज करना है आंसर सी पार्ट है सी कहता है कि पहले को सेकेंड आएगा दूसरे को फर्स्ट आएगा यानी पहला जो है इसको सेकेंड आएगा दूसरे को इस तरह से फर्स्ट आएगा और जो थर्ड है उसको फोर्थ आएगा इस तरह से आपको ये मैच करना है हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर पर द राजू गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एडोलेसेंट गर्ल्स इज कॉमनली नोन एज सी पार्ट सबला उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव नेशनल हेल्थ मिशन वॉज लॉन्च बाय बी पार्ट इसका आंसर है नरेंद्र मोदी चलेंगे क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स पर नरेगा स्टैंड फॉर सी पॉट नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन एक्सेस ऑफ फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर काजेज सी पॉट इसका आंसर है फ्लोरिसिस उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्टी एट इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट डज सुंदरी ट्री बिलोंग डी पार्स आंसर है मैंग्रोव फॉरेस्ट उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अंतिया प्रोग्राम इज टू अपलिफ्ट ए पार्स आंसर है पुअर उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्टी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस सी पॉट कार्बन मोनोक्साइड चलेंगे फोर्टी वन क्वेश्चन पर वन द रिसीन सेकेंड एकेडेमी अवार्ड फॉर बेस्ट डायरेक्टर आंसर सी पार्ट है बोंग जॉन हो पेरासाइट उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू हु इज द फाउंडर ऑफ एमेजॉन ए पार्ट जेफरी प्रिस्टोन बेजोस फोर्टी थ्री क्वेश्चन डायमंड प्रिंसेस दैट वॉज रिसेंटली इन न्यूज इज बी पार्ट शिप उसके बाद फोर्टी फोर क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग वॉज कन्फर्ड विद दादा साहेब फालके अवार्ड इन टू थाउजेंड नाइनटीन बीपार है अमिताभ बच्चन उसके बाद फोर्टी फाइव क्वेश्चन इफ सेट इज कोडेड एज एक्स वी आई जी जड आर एम इन ए पर्टिकुलर कोड लैंग्वेज देन हाउ विल एम यू एन डी एन ई बी कोडेड इन दट लैंग्वेज यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि इसका कोडिंग कैसे यूज हो गया है यहाँ पर पेयरऑफ अपोजिट यूज किए गए हैं पे आर ऑफ अपोजिट आप जानते हैं ए जेड होता है बी वाई होता है सी एक्स होता है और डी डब्ल्यू होता है आप देख लीजिए यहाँ पर पहले सी एल्फाबेट आया था तो कोड इसमें दिया गया था एक्स यानी सी का अपोजिट क्या है एक्स तो सी को एक्स आएगा इस तरह से जो दूसरा है ई e, ई e का अपोजिट जो होता है वो वी होता है यहाँ पर तो यहाँ पर आपने जब पहला जो लेटर देखा जो दिया हुआ था उसमें आपने देखा कि कौन सा पैटर्न यूज किया गया है वहां पर आपको पता चला कि यहाँ पर पेयर ऑफ अपोजिट्स यूज किए गए हैं अब आपको इस वर्ड में देखना है कि इसका कोड क्या आएगा तो यहाँ पर भी आपको अपोजिट यूज करना है अब यहाँ पर अगर आपको अपोजिट याद हैं तो आप इसको बहुत ही फास्ट सॉलोव कर पाएंगे अगर आपको अपोजिट याद नहीं है तो आप उनको एक बार लिख कर भी फिर इस क्वेश्चन को सॉलोव कर सकते हो तो यहाँ पर मैं आपको फास्ट लिख कर बताता हूं कि कैसे वो वर्ड्स होते हैं यहाँ पर मैंने कुछ अपोजिट्स लिख दिए हैं जो कि हमें यहाँ पर यूज होने वाले हैं एम का अपोजिट होता है एन तो यहाँ पर आएगा पहले एन उसके बाद जो यहाँ पर दूसरा वर्ड है यू यू का अपोजिट यहाँ पर देख लीजिए यू का अपोजिट आता है एफ तो दूसरा आएगा यहाँ पर एफ़ उसके बाद यहाँ पर जो थर्ड वर्ड दिया हुआ है यहाँ पर जो थर्ड है वो एन है तो एन का अपोजिट यहाँ पर देख लीजिए एन का अपोजिट एम है तो यहाँ पर एम है यहाँ पर देख लीजिए उसके बाद यहाँ पर जो थर्ड वर्ड जो डी है तो डी का अपोजिट यहाँ पर देख लीजिए डी का अपोजिट डब्ल्यू आता है तो यहाँ पर देख लीजिए डब्ल्यू आया है उसके बाद यहाँ पर वर्ड ए है तो ए का अपोजिट यहाँ पर देख लीजिए जेड है तो जेड आ गया है उसके बाद यहाँ पर एन एन को फिर से यहाँ पर देख लीजिए एन का अपोजिट एम आता है उसके बाद यहाँ पर जो बोर्ड है ई ई का यहाँ इसको इसमें देख लीजिए ए का अपोज वी आता है तो वी यहाँ पर लिख दिया है तो यहाँ पर पी आर आप अपोजिट्स आप आपको यूज करने हैं तो उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहले इसको हम क्लियर करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स पर चलेंगे एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स सी एंड डी आर सिस्टर्स एक्स इज सन इज डीज ब्रदर हाउ इज वाई रिलेटेड टू सी यहाँ पर इसको आपको सॉल्व करना है देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं सबसे पहले यहाँ पर बात हो रही है एक्स एंड वाई वो आपस में ब्रदर्स हैं और सी एंड डी वो आपस में सिस्टर्स हैं। उसके बाद जो यहाँ पर कह रहा है एक्स इज सन इज डीज ब्रदर हम पहले इसी को लिखेंगे मान लो कि यहाँ पर ये यह एक्स है ये पहले ही दिखा रहा है कि x एंड y आर ब्रदर्स यानी कि ये मेल है तो इसको हम प्लस लिखेंगे तो यहाँ इसका जो y है वो y है वो भी मेल है तो उसको हम प्लस लिखेंगे तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है x एंड y के बारे में फिर यहाँ पर जो कह रहा है कि x का जो सन है तो वह वह हम यहाँ लिखेंगे x का सन कोई है ये प्लस है यहाँ पर उसका जो कोई सन है वो क्या है वो डी का ब्रदर है तो यहाँ पर डी आएगा क्योंकि इसका ब्रदर है लेकिन हमारे पास पहले से ही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई थी कि सी और डी जो है वो आपने सिस्टर्स है यानी कि डी जो है वो फीमेल है तो अब यहाँ पर डी क्या है फीमेल है और एक्स का जो सन है उसका नाम हमें पता नहीं है वो हमने यहाँ पर सर्कल कर दिया है अब हमें कह रहा है क्वेश्चन के मुताबिक कि आपको बताना है यहाँ पर कि हाउ इज़ y related to c y और c के बारे में क्या रिलेशनशिप है y तो यहाँ पर हमें ऊपर दिखाया गया है यहाँ पर y है y और c c कहाँ पर है अभी वो यहाँ पर नहीं आया है लेकिन क्वेश्चन में पहले ही कहा गया था कि c और d जो है वो अपने सिस्टर्स हैं d यहाँ पर है तो c इसकी सिस्टर है तो यहाँ पर आएगी उसका c वो भी नेगेटिव है हमें बताना है इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है आप देख लीजिए इस फिगर को अगर ये वाई और एक्स आपने ब्रदर्स हैं और यहाँ पर जो ये है कोई उसका नाम नहीं है ये एक्स का सन है लेकिन डी उसकी सिस्टर है मतलब ये आपने ब्रदर और सिस्टर हैं और यहाँ पर ये आपने सिस्टर्स हैं तो इसका मतलब कि सी डी की सिस्टर है और सी जो यहाँ पर ये उसका नाम पता नहीं है उसकी भी सिस्टर है तो ये सा, ये तीनों जो हैं एक्स के चिल्ड्रन हैं, एक्स का बाय कौन सा है वाई तो इसका मतलब वाई जो भी है वो इन तीनों का जो यहाँ पर नीचे तीन गए दिए गए हैं इन तीनों का अंकल बन गया क्योंकि वो एक्स का बाय है एक्स इन तीनों का फादर है एक्स इन तीनों का फादर है और एक्स का बाई वाई है तो वाई इन तीनों का अंकल हो गया तो अगर वो इन तीनों का अंकल है तो हमें बताना है सी को क्या लगता है तो सी को भी वो अंकल ही लगता है तो यहाँ पर हम देखेंगे ऑप्शन में अंकल कहाँ पे और कौन सा ऑप्शन है तो जब हम देखते हैं ए पार्ट अंकल ऑप्शन है तो ए इसका आंसर हो जाएगा उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन पर क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन क्या कहता है प्रकाश वकड़ 30 मीटर लेफ्ट टर्न एंड टू 20 मीटर टू 30 मीटर right अब वो किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं यहाँ पर आप देख लीजिए सबसे पहले हम यहाँ पर ड्रा करेंगे कि चार डायरेक्शंस किस तरह से होती हैं यहाँ पर ये यह होते हैं डायरेक्शंस। इस साइड से होता है ईस्ट इस साइड से होता है वेस्ट ऊपर होता है नॉर्थ और नीचे होता है साउथ ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है तो अब हम यहां पर देखते हैं पहले क्या था जो प्रकाश है वो थर्टी मीटर चला गया टूवर्ड्स वेस्ट यानी इस तरह से वो चला गया वेस्ट की तरफ तो थर्टी मीटर चला गया यहां से उसने स्टार्ट किया था उसके बाद कहता है ही टूक ए लेफ्ट टर्न उसने लेफ्ट टर्न लेफ्ट का एंट्री क्लॉक वाइज तो मतलब वो नीचे गया तो कितना चला वो ट्वेंटी चला तो जब वो लेफ्ट टर्न किया उसने तो बीस मीटर चला गया उसके बाद ही अगेन टू लेफ्ट टर्न अगेन उसने लेफ्ट टर्न ले लिया यानी कि अगेन उसने एंटी क्लाक वाइज ले लिया तो कितना चला थर्टी तो यहाँ से और थर्टी चला गया तो बराबर वो यहाँ तक चला गया चला जाएगा तो यहाँ तक उसके बाद कहता है कि जब वो थर्टी मीटर चला गया देन ही टुक राइट अब उसने राइट right ले लिया राइट का मतलब है कि क्लाक वाइज एंड स्टॉपड यानी यहाँ पर वो नहीं चला सिर्फ उसने राइट right ले लिया यहाँ से और उसने स्टॉप कर दिया तो यहाँ पर उसने स्टॉप कर दिया यानी यहाँ पर वो कितना चला वो हमें नहीं पता है क्वेश्चन क्या कहता है ही इज नाउ फेसिंग अब वो किस तरह से फेस कर रहा है यानी उसका फेस जो है वो किस डायरेक्शन में है यहाँ पर आप देख रहे हो उसका फेस इस डायरेक्शन में है तो ये कौन सी डायरेक्शन है यहाँ पर आप देख लीजिए ये साउथ डायरेक्शन होता है तो उसका फेस जो है वो साउथ की ओर है तो साउथ का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आप देख लीजिए ए पार्ट ही है तो इसका आंसर ए पार्ट हो जाएगा तो आपने देख लिया कि किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉलो किया जाता है उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो कि क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट है फोर्टी एट क्वेश्चन क्या कह कहता है कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज यहाँ पर जो सीरीज़ है इसे कंप्लीट करना है आप पहले देखते हैं जो हमें नंबर दिया हुआ है गिवन है उसमें क्या पैटर्न फॉलो होता है पहले वन है फिर फाइव है फाइव टू सेवनटीन है यहाँ पर आप दे आपको देखना है कि वन से जब हम फाइव तक पहुँचेंगे तो किस तरह से पहुँचेंगे फिर जब फाइव से हम सेवनटीन तक पहुँचेंगे तो किस तरह से पहुँचेंगे तो यहाँ पर एक पैटर्न जो होता है वो सिंपल सा पैटर्न है वो देख लीजिए किस तरह से है जब आप वन को मल्टीपल करेंगे थर्ड से वो कितना बन जाता है थर्ड उसको जब आप ऐड करेंगे दो तो बन जाएगा वो फाइव तो गए हम वन से फाइव तक अब जो फाइव है फाइव से हमें सेवनटीन तक जाना है तो हम देखते हैं तो जब हम फाइव को यही पैटर्न यूज़ करेंगे यानी थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाता है वो फिफ्टीन बन जाता है तो फिर ऐड दो करना है तो कितना बन जाता है सेवनटीन फाइव से सेवनटीन तक हम पहुंच गए सेम पैटर्न हमने यूज़ किया तो यहाँ पर हमको पता चल गया कौन सा पैटर्न यूज़ होता है कि जो भी नंबर पहले दिया गया है उसको थ्री से मल्टीप्लाई करना है और ऐड दो करना है बस यही सा पैटर्न है सिंपल सा पैटर्न है अब सेवनटीन से अगर हम फिफ्टी थ्री तक पहुंचेंगे तो क्या यही पैटर्न यूज करके हम पहुंच सकते हैं देखते हैं यहां पर कि 17 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से वो कितना बन जाता है वो बन जाता है फिफ्टी वन फिफ्टी वन को जब ऐड करेंगे दो तो कितना बन जाता है फिफ्टी थ्री तो यहां पर भी ये पैटर्न फॉलो होता है तो इतना हमें क्लियर हो गया है अब हमें देखना है कि फिफ्टी थ्री के बाद अब कौन सा नंबर आएगा तो हमें यही पैटर्न यूज करना है यानी हम 53 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और ऐड करेंगे दो तो पहले जब हम 53 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बन जाता है 159। अब जब दो इसमें ऐड करेंगे तो बन जाता है 161। तो 161 इसका आंसर आ जाएगा जब हम ऑप्शन में देखते हैं 161 या इन दो ऑप्शन में है लेकिन अब हम इन दो में से कौन सा चूज करेंगे अब हमें एक और नंबर देखना है कि यहाँ पर क्या आएगा तो अब हमें वन हंड्रेड सिक्सटी वन के बाद देखना है इसके बाद क्या आएगा तो जब हम देख वन हंड्रेड सिक्सटी वन को भी हम चूज करेंगे यानी थ्री मल्टीप्लाई और टू ऐड तो पहले वन सिक्सटी वन को थ्री मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास आंसर आता है वन सिक्सटी वन का तो वो बन जाता है फोर हंड्रेड एटी थ्री तो जब दो इसमें और ऐड करेंगे ये वाले दो तो बन जाता है फोर हंड्रेड एटी फाइव देखते हैं फोर हंड्रेड एटी फाइव किस में है तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर तो इसका मतलब कि सी वाला ऑप्शन आएगा अब हमें छोड़ निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें आंसर मिल गया है तो हम इतने ही में इसको टिक कर देंगे यानी सी पर इसका आंसर हो जाएगा उसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन क्या कहता है द हेड क्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन इज सिचुएटेड एट कहाँ पे हेड क्वार्टर है तो ए पार्ट इसका आंसर है यानी न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स उसके बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्टी पर चलेंगे हु टू थाउजेंड नाइनटीन नोबल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस तो इसका आंसर डी पार्ट है यानी ऑल ऑफ द तो हम चलेंगे 51 क्वेश्चन पर हु वन द ट्वेंटी ट्वेंटी आईसी अंडर नाइनटीन वर्ल्ड कप तो आंसर ए पर है बांग्लादेश उसके बाद फिफ्टी टू क्वेश्चन वायर इज देडक्वार्टर ऑफ सारक सिचुएटेड बीच पर इसका आंसर है काठमंड उसके बाद फिफ्टी टी क्वेश्चन हु इज ऑथर ऑफ द बुक टेल हर एवरी थिंग आंसर सी पर है मिर्जा वहीद फिफ्टी फोर क्वेश्चन वट इज द फुल फॉर्म ऑफ ए टी एम आंसर बी पढ़े, ऑटोमेटेड टेलर मशीन फिफ्टी फाइव क्वेश्चन हु डिस्कवर्ड एक्सरेज सी पार्ट उसके बाद फिफ्टी सिक्स क्वेश्चन हु इज ऑथर ऑफ द बुक द मिनिस्ट्री ऑफ मोस्ट हैप्पीनेस? सी पार्ट अरुंधति रॉय फिफ्टी सेवन क्वेश्चन ड्यूरिंग सोलर इक्लिपस ए पार्ट मून इन बिटवीन अर्थ एंड सन उसके बाद फिफ्टी क्वेश्चन अर्थ रोटेट अराउंड इट इस एक्स फ्रॉम डी पार्ट वेस्ट टू ईस्ट उसके बाद फिफ्टी नाइन क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैचर्ड कौन सा करेक्टली मैच्योर्ड नहीं है सी पार्ट यानी विटामिन डी राइबोफिन ये करेक्टली मैच नहीं है इसका मतलब बाकी जो दो हैं वो करेक्टली मैचड हैं तो उनको भी एक बार रीड करते हैं रिजल्ट के तौर पर तो पहला जो कहता है विटामिन ई उसको क्या कहते हैं टोकोफेरॉल जो विटामिन के वन है उसको क्या कहते हैं क्वनोन तो ये सही है तो उसके बाद चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर सिक्सटी और जो लास्ट क्वेश्चन है एलिफेंटीज इज काज बाई ए पार्ट इसका आंसर है पैरासाइटिक वॉर्मस तो दोस्तों ये था एम का पेपर ट्वेंटी आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही थैंक यू